आप नेता ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का किया घेराव, दिल्ली के उपराज्यपाल पर बरसे आप नेता, दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मचा बवाल, आप नेताओं पर होगा अब तगड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली की सियासत में इस वक्त आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर काफी सियासी गर्मी पैदा हो गई है। आप नेताओं ने बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता जोश में अपने होश खो चुके हैं। 8 मार्च को आप नेताओं ने बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद पीएम मोदी का गुस्सा भी बढ़ गया है। पीएम मोदी ने भी भरे मन से ऐलान कर दिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, अब और तगड़ा एक्शन होगा, यानी अब किसी भी बेईमान नेता की खैर नहीं है। छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, यहाँ के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डर। तो पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि देश से भ्रष्टाचार का सफाया होकर रहेगा और जिन जिन ने देश का धन लूटा है उन्हें जेल जाकर हिसाब देना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब वो धमकी पर उतर आए हैं। दरअसल 8 अप्रैल को सोमवार को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि जेल से सरकार चलाकर देश को नया मॉडल देंगे, यानी कि नायाब मॉडल देंगे, हम झुकने वाले नहीं है। आप विधायक ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, क्या किसी की बपौती है जो जेल से सरकार नहीं चलेगी? क्या दिल्ली के लोगों ने आपको सरकार में चुना था? हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाएं। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी इस वक्त तेजी से गर्त की तरफ जा रही है, यानी बहुत तेजी से उसका ग्राफ नीचे आ रहा है और इसकी बौखलाहट आप नेताओं में साफ नजर आ रही है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से आप पूरी तरह से टूट चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि चुनावों के बीच वो क्या करे। वहीं दिल्ली विधानसभा में आपके विधायक मोहिंदर गोयल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इसलिए उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दवाइयों की कमी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के विधायक ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र में बैठी सरकार आताताई बनी हुई है। मोहिंदर गोयल ने सदन में कहा, अरविंद केजरीवाल जनता का पैसा जनता के हितों के लिए खर्च करते हैं। केंद्र सरकार ने एलजी को बिठाकर सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया है, लेकिन भगवान की लाठी जब चलती है तो वो दिखती नहीं है, होश ठिकाने लगा देती है। दिल्ली विधानसभा के सत्र में जमकर आप नेताओं ने अपनी भड़ास निकाली और सबसे ज्यादा गालियां एलजी वीके सक्सेना को दी। एलजी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। आप विधायक ने आगे कहा कि जिस शराब घोटाले के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के अंदर डाला गया है उनके ऊपर मनी ट्रेल का अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। संजय सिंह के खिलाफ मनी ट्रेल का अब तक कुछ नहीं मिला है और इसी तरह दिल्ली, पंजाब और देश के हितों के लिए अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे और जब इन लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो इसी के तहत उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया। आप विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना कौरवों से करते हुए कहा, दिल्ली कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, कौरव भी एक समय में इस प्रकार से हुआ करते थे जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जिस तरह कौरव मिट गए उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी मिट जाएगी। महाभारत में चली कालचक्र ने ऐसी चाल, युद्ध भयंकर हुआ और कौरव हुए बेहाल, आज समर भूमि ने फिर वही दिन दोहराया है, मोदी तुम्हारे चरित्र में दुर्योधन नजर आया है। तो महेंद्र गोयल यही नहीं रुके, उन्होंने सदन में आगे कहा कि मोदी जी इतने आताताई मत बनिए, दुर्योधन और दुशासन ने महाभारत में घटिया चाल चली थी लेकिन जीत पांडवों की हुई थी क्योंकि वो सत्य के साथ थे। अरविंद केजरीवाल भी सत्य के साथ है, हिम्मत है तो देश भर के कई राज्यों में आपकी सरकार है वहां अस्पतालों को ठीक करो और अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करो। तब था इंद्रप्रस्थ, आज है दिल्ली, तब थे कौरव, आज है भाजपाई, तब था शतरंज, आज है तानाशाही, तब थी कौरवी सेना, आज ईडी और सीबीआई। आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा कि इस बात का पूरा भरोसा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। लेकिन आप नेता शायद ये भूल गए हैं कि महाभारत
एक धर्म युद्ध था जिसमें सत्य और असत्य के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन अब बात भ्रष्टाचार में लिप्त या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जाए, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर अरविंद केजरीवाल नेता बने थे, अब उसी भ्रष्टाचार के आरोप में वो लिप्त हैं। तो 8 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर भिड़ंत देखी गई। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर आप को घेर लिया और चर्चा की मांग की, लेकिन बीजेपी विधायकों को फिर से मार्शल के जरिए बाहर कर दिया गया। आप भी देखें कि दिल्ली विधानसभा की तस्वीरें जब बीजेपी विधायकों को सभापति के आदेश पर बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो मार्शल बाहर करें, सभी को बाहर जाइए, बाहर बाहर बैठिए, मार्शल बाहर करें, जल्दी करें। रामलू श्री विजेंद्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी, महाजन जी, महावर जी, अभय वर्मा जी, वाजपेयी जी, बाहर करिए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान एक बार फिर जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने भी दिल्ली जल बोर्ड मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर FIR दर्ज करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा सदन में ये मुद्दा उठाया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामा के बाद सभी विधायकों को मार्शल ने आउट कर दिया। सदन से मार्शल आउट होने के बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में मौजूद गांधी मूर्ति के नीचे जमकर नारेबाजी की और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड मामले में FIR दर्ज कराने की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच से आम आदमी पार्टी बचना चाह रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में बीजेपी का आरोप है कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में सिर्फ अपग्रेडेशन होना था, दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का ठेका दिया गया और इसी में सारा खेल कर दिया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए और उसी जांच से आम आदमी पार्टी भाग रही है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के विधानसभा परिसर में मौजूद रहकर प्रदर्शन करने और इस दौरान मीडिया में बयान जारी करने पर आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई। आप विधायक संजीव झा ने बयान जारी करते हुए कहा, बड़ा ही हास्यास्पद पद है, मुझे अभी जानकारी मिली कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा में आकर राजनीति कर रहे हैं। इस बात की यहां पर उचित अथॉरिटी से शिकायत की जाएगी। विधानसभा राजनीति का अड्डा नहीं है, यह चुने हुए सदस्य आम लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। अगर बीजेपी दिल्ली विधानसभा परिसर को राजनीति का अखाड़ा बनाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा परिसर में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ना प्रोटेस्ट कर सकता है और ना कोई मीडिया में बयान दे सकता है। विधानसभा परिसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष न सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे बल्कि मीडिया को बाइट भी दे रहे थे। आखिर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किसके साइन से अंदर आए, कैसे प्रोटेस्ट किया, कैसे मीडिया बाइट दी, ये विधानसभा सदन के प्रिविलेज का हनन है। लिखित शिकायत दे रहा हूं, सदन के प्रिविलेज के हनन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि आप नेता लगातार मीडिया के सामने ही कोर्ट का अपमान कर रहे हैं और कोर्ट की शर्तों का मजाक बनाते नजर आ रहे हैं। संजय सिंह जिन शर्तों के साथ जमानत उन्हें मिली थी, अब वो उन्हीं शर्तों को तोड़ रहे हैं। अब वही नेता बीजेपी को कायदे और नियमों का हवाला दे रहे हैं, जबकि इनके मुखिया और CM अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में बंद हैं। 21 मार्च को शराब घोटाले में ED ने पूछताछ के बाद हिरासत में लिया था। उसके बाद कोर्ट ने इन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से लेकर विजय नायर तक शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।